इस वीडियो के द्वारा हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को एसिड अटैक्स के बारे में शिक्षित करना है। एसिड अटैक एक ऐसा क्राइम है जो पूरी दुनिया भर में होता है, लेकिन जो केस इंडिया से हमारे सामने आते हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। ये सभी रीजन इतने घटिया होते हैं जिन्हें सोचकर ये लगता है कि कोई सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातों पर किसी पर एसिड कैसे फेंक सकता है। जैसे कि किसी लड़की ने किसी लड़के को शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया तो उस लड़की पर एसिड अटैक किया गया, या फिर किसी ने किसी का प्यार ठुकरा दिया, किसी को कम दहेज मिला इसलिए उसने ऐसा किया, या फिर कोई लड़की अपने हस्बैंड को बेटा नहीं दे पाई और यहाँ तक कि ठीक से खाना नहीं बना पाने की वजह से भी एक लड़की पर एसिड अटैक किया गया। ज़्यादातर इन अटैक्स का शिकार लड़कियाँ ही होती हैं जिनकी उम्र 14 से 35 के बीच में होती है। इन अटैक्स के बाद कुछ लोग तो फौरन ही सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा इतना खराब होने के बाद भी वो अपने हक के लिए लड़ते हैं और इस दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आज इस वीडियो में द नॉलेज बुक आपको कुछ ऐसे ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बताने जा रहा है जिनके लाइफ पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, रेशमा कुरैशी। रेशमा कुरैशी इलाहाबाद की रहने वाली हैं और इंडिया में किए गए हजारों एसिड अटैक्स में रेशमा का नाम भी आता है, और इन पर अटैक किसी और इंसान ने नहीं बल्कि इनके अपने खुद के जीजा ने ही किया था। ये बात 19 मई 2014 की है। रेशमा ने बताया कि उनका जीजा उनकी बहन गुलशन को बहुत मारता पीटता था, इसलिए रेशमा उनकी बहन और उनके दोनों बच्चों को अपने घर पर लेकर आ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के एक बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया, लेकिन उनके जीजा ने बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया। इसके बाद ये केस कोर्ट में चला गया कि दोनों बच्चे किसके पास रहेंगे, और आखिर में इसका फैसला रेशमा की बहन गुलशन के हक में आया। 19 मई 2014 को जब वो अपनी बहन के साथ एग्जाम देने जा रही थी, तब अचानक से उनके जीजा और उसके कुछ दोस्त सामने आ गए और उन्होंने रेशमा की बहन पर एसिड फेंका, लेकिन एसिड के छींटे उनके हाथों पर गिरे। तभी गुलशन ने उन्हें भागने को कहा और उनकी बहन की आवाज़ सुनकर रेशमा भागने लगी, लेकिन उनके जीजा ने रेशमा को पकड़ लिया और उनके बाल पकड़कर उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत ज़्यादा जलने लगा और वो बहुत तेज चिल्ला रही थी। जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की और सब तमाशा देखते रहे। उनके ऊपर ये एसिड अटैक इतना खतरनाक हुआ था कि उनके चेहरे के साथ साथ उनकी एक आंख पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आज उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर गिवअप कर देते हैं। उनका चेहरा एसिड से खराब होने के बाद भी उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 4, मोनिका सिंह। मोनिका लखनऊ से हैं। 15 साल पहले जब उन पर अटैक हुआ था तब वो सिर्फ 19 साल की थी, और तब वो दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही थी। मोनिका का हमेशा से एक मॉडल बनने का सपना था और वो फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती थी। 2005 में उनके एक रिलेटिव ने उन्हें शादी करने के लिए प्रपोज किया, लेकिन मोनिका पहले अपना करियर बनाना चाहती थी इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। इस बात से वो लड़का इतना चिढ़ गया कि उसने पूरी बाल्टी भर के एसिड मोनिका पर डाल दिया। अब आप सोच ही सकते हो कि उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। ये अटैक इतना खतरनाक था कि उनकी स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी और डॉक्टर्स ने तो उनके जिंदा बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन उनके फादर ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग जुटाकर 50 लाख रुपये जमा किए और अपनी बेटी के 46 ऑपरेशन करवाए। जब मोनिका थोड़ी ठीक हुई तब उन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स और अपने स्टडी को साथ साथ कंप्लीट किया। वो वीकडेज पर कॉलेज जाती थी और हॉलीडेज और वेकेशंस पर सर्जरी करवाती थी। इसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। 2013 में उनके फादर की डेथ हो गई। मोनिका कहती हैं कि मेरा ड्रीम अब करियर और एजुकेशन में अच्छा काम करना है ताकि मेरे पापा मुझ पर प्राउड फील कर सकें। इसके साथ वो एक एनजीओ की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जो कि एसिड विक्टिम्स की मदद करता है। बट आई एम आल्सो नोन फॉर बिकॉज़ ऑफ माय फेस व्हिच आई हैव गॉट आफ्टर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ एन एसिड अटैक। आई एम नोन फॉर बीइंग एन एसिड अटैक सर्वाइवर। नंबर 3, रेशम खान। रेशम खान पाकिस्तान की रहने वाली हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम से लंदन में रह रही थी।
ये बात 24 जून 2017 की है और इसी दिन रेशम का 21वां बर्थडे भी था। और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने कजिन के साथ पार्टी करने निकली थी और जब उनकी कार लंदन के एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तब उनकी गाड़ी के दोनों विंडोज खुले हुए थे। इसी दौरान अचानक से एक अननोन आदमी आया और उसने रेशम और उनके कजिन दोनों पर ही एसिड से अटैक कर दिया, जिसमें रेशम का चेहरा बुरी तरह से जल गया और उनके कजिन भी अच्छे खासे जल गए। उस आदमी ने उस विंडो से एसिड फेंका था जिस तरफ रेशम बैठी हुई थी, इसलिए उनके चेहरे के साथ साथ उनकी बॉडी का भी काफी हिस्सा जल चुका था। इसके बाद वो दोनों चिल्लाते हुए कार से बाहर आए और मदद के लिए पुकारने लगे। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी जिसने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रेशम ने अपना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है। काफ़ी टाइम तक रेशम का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा और उनकी कई सर्जरीज की गई जिसमें उनके फेस पर प्लास्टिक सर्जरी भी की गई, जिसकी वजह से अब इनका चेहरा दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाद में पता चला कि यह अटैक जॉन टॉमलिन नाम के एक इंसान ने किया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये दोनों ही एसिड विक्टिम्स इस आदमी को जानते ही नहीं थे। इस आदमी को सिर्फ 16 साल की जेल हुई जो कि इस घिनौने क्राइम के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। नंबर 2, चंद्रहास मिश्रा। अभी तक आपने सभी फीमेल्स के बारे में जाना जिन पर एसिड अटैक्स किया गया था, लेकिन यह क्राइम सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं होता। एक रिपोर्ट के अनुसार 30% मेल पर भी क्राइम किया जाता है। चंद्रहास उत्तर प्रदेश के मीरठ के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक दिन जब वो अपने पिता की दुकान पर बैठे हुए थे तब उनके मकान मालिक का बेटा वहां पर से जा रही लड़कियों को छेड़ रहा था, इसलिए चंद्रहास उन लड़कियों को बचाने के लिए पहुंचे हैं। तब उस लड़की ने चंद्रहास को यह धमकी दी कि मैं तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चंद्रहास ने बात अपने मकान मालिक और उस लड़के के फादर को बताई और इसके अगले ही दिन वो लड़का एक बाल्टी में 5 लीटर एसिड लेकर आया और वो पूरा एसिड चंद्रहास पर डाल दिया, जिसकी वजह से चंद्रहास की बॉडी पूरी तरह से जल गई। पुलिस ने केस दर्ज किया और क्रिमिनल को जेल भी हुई, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के बाद ही हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। चंद्रहास आज भी ये केस लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से उन्हें अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। इस अटैक के बाद चंद्रहास 40% तक जल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बॉडी पर कई सर्जरीज कराना पड़ी और उन्हें अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरीज भी कराना पड़ी, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों से पैसे उधार मांगे और कई लोन्स भी लिए। और इन सब सर्जरीज को मिलाकर चंद्रहास के लगभग 30 लाख रुपये खर्च हुए। इस केस में चंद्रहास की गलती क्या थी? क्या किसी की हेल्प करना एक गलती होती है? चंद्रहास एक रियल हीरो हैं जिनकी हिम्मत और जज्बे को द नॉलेज बुक सैल्यूट करता है। नंबर 1, लक्ष्मी अग्रवाल। 2005 में लक्ष्मी सिर्फ 15 साल की थी जब उन पर एसिड अटैक हुआ था। लक्ष्मी ने बताया कि एक 32 साल का आदमी उनका अक्सर पीछा किया करता था और वो लक्ष्मी से शादी करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने चिड़ खाकर लक्ष्मी के ऊपर एसिड फेंक दिया। लक्ष्मी दिल्ली की रहने वाली हैं और वो हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन इस अटैक के बाद उनका ये सपना खत्म हो गया था। इस अटैक के बाद उनकी लाइफ ने एक दूसरा मोड़ ले लिया। अब वो एक एनजीओ स्टॉप एसिड अटैक्स की फाउंडर हैं। 2006 में लक्ष्मी ने एक PIL डालकर सुप्रीम कोर्ट से एसिड बैन करने की मांग की थी। लक्ष्मी अब एक स्टॉप सेल एसिड की फाउंडर भी हैं। ये एसिड वायलेंस और एसिड बिक्री के खिलाफ एक कैंपेन है। लक्ष्मी को 2014 में US फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा इंटरनेशनल वुमन करेज अवार्ड मिला है। लक्ष्मी सभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इंस्पिरेशन देने का काम करती हैं। इनकी लाइफ हिस्टोरी के ऊपर हाल ही में एक मूवी बनी है जिसका नाम छपाक है, जिसमें उनका रोल दीपिका पादुकोण निभा रहे हैं। ये तो सिर्फ कुछ ही केसेस थे, ऐसे कई केसेस इंडिया में और पूरी दुनिया भर में होते रहते हैं जो कि काउंट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हमें इन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो इतने खतरनाक अटैक के बाद भी हार नहीं मानते और हर मुश्किल का सामना करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स पर हार मानकर बैठ जाते हैं। जो लोग इन एसिड अटैक्स को अंजाम देते हैं उन्हें सिर्फ कुछ ही महीनों की या कुछ ही सालों की सजा होती है। क्या इतने बड़े जुर्म के लिए कुछ ही महीनों की या कुछ ही सालों की सजा काफ़ी है? आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जुर्म के लिए क्रिमिनल को क्या सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।